इंदौर शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला लसोड़िया थाना क्षेत्र के डीपीएस स्कूल के प्रोग्राम मैनेजर के साथ पेश आया है। स्कूल के प्रोग्राम मैनेजर को बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने चाकू का वार कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। घायल प्रोग्राम मैनेजर को AMY अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना निरंजनपुर क्षेत्र की बताई जा रही है। डीपीएस स्कूल के प्रोग्राम मैनेजर जॉर्ज जोसेफ स्कूल से घर लौट रहे थे, तभी निरंजनपुर के पास उनकी कार के आगे 3 बाइक सवार आए और उन्हें रोक कर उन पर चाकू से वार कर दिया। घटना के बाद रहवासी उन्हें निजी अस्पताल लेकर गए, जहां से इन्हें AMY रेफर किया गया। फिलहाल पूरे मामले में लसोड़िया पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर से राकेश सच्चर की रिपोर्ट। थाना लसोड़िया में उक्त व्यक्ति का जांच थाना आया था, जिसपे बताया गया था कि किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इन पर निरंजनपुर के आसपास कहीं धारदार हथियार से कुछ हमला किया गया है। आगे जांच आने की हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे जो भी होगा। पैसों को लेकर के की गई है, पैसा तो अभी बोला जा रहा है, पर आखिरी में अभी उनके बयान होंगे, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा जो भी। सर, ये कहाँ की घटना है? ये निरंजनपुर के आसपास के थाना लसोड़िया क्षेत्र। क्या नाम है? इनका नाम जॉर्ज जोसेफ है और ये डीपीएस स्कूल में कंप्यूटर प्रोग्रामर है। ये डीपीएस स्कूल से लौट रहे थे और निरंजनपुर के आसपास इनके साथ जो भी हुआ हादसा हुआ। सब इंस्पेक्टर दीपक सराटी, थाना लसोड़िया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।